बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा खास है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वो लोग जिनको नजला, जुकाम, खांसी या रेशे का मसला हो, यानी कि गले में रेशा अटक जाता हो, या बलगम बहुत ज्यादा खारिज होती हो, बलगम बहुत ज्यादा बनती हो और उसको बलगम से निजात ना मिलती हो, उन लोगों के लिए ये मेरी वीडियो बहुत ज्यादा खास है। उनको इसका एक आसान घरेलू अजमूदा नुस्खा बताएंगे, जिसके एक कप इस्तेमाल करने से आपकी ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ सीने की बीमारियां मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। वो कावा मेते के मसाइल को मुकम्मल तौर पर ठीक करेगा, हाजमा के मसाइल को ठीक करेगा, इसके साथ साथ भूख भी लगाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वजूहत है जिनकी वजह से बलगम बनती है, जिससे हमें परहेज करना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। रेशा और बलगम एक ऐसा मर्ज है जो इंसान की जिंदगी को तंग करके रख देता है। अक्सर लोगों को नजला, जुकाम और खांसी की बीमारी में बलगम की शिकायत बहुत होती है। ये सूरत हाल काफी तकलीफदा होती है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बलगम की वजह से दिमाग और नजर कमजोर होती है। इसलिए आज मैं आपको रेशा और बलगम के खात्मे का अजमूदा इलाज बताने लगा हूँ। इस नुस्खे की बदौलत आपको बलगम, खांसी, नजला, जुकाम, आवाज का बैठ जाना और गले में बलगम का फंस जाना, इन अमराज से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। रेशे और बलगम को खत्म करने के लिए इस नुस्खे में जो अज्जा इस्तेमाल होंगे, इनमें शामिल है एक गिलास पानी, एक छोटा चम्मच कलवंजी का और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का शामिल है। रेशे और बलगम को खत्म करने के लिए इस कारामद नुस्खे को बनाने का तरीका यह है कि आप एक छोटा सा बर्तन ले लें। अब आप इसमें एक गिलास सादा पानी को डालें। अब आप इसमें एक छोटा चम्मच कलवंजी का शामिल करें और अदरक का टुकड़ा शामिल करें। कलवंजी बहुत सी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इसमें सवाए मौत के हर मर्ज का इलाज है। यहाँ से इसके फायदों का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी तासीर गर्म होती है। ये नजला, जुकाम, खांसी, रेशे और बलगम के अमराज के लिए नहायत मुफीद है। अब आपने करना यह है कि इन तीनों अज्जा को एक बर्तन में डालकर इस बर्तन को दरमियानी आंच में 5 से 7 मिनट चूल्हे पर रखें और इसको पकाएं। 7 मिनट बाद आप इसका ढक्कन ढांप दें और हल्की सी आंच पर दम लगा दें। तकरीबन 3 मिनट तक आप इसको दम पर रखें, फिर इसका दम खोल दें। कलवंजी की चाय तैयार हो जाएगी। इसको ठंडा करके किसी कप में डाल लें। जब चाय तैयार हो जाएगी, रेशे और बलगम से छुटकारा हासिल करने के लिए आपने कलवंजी की ये चाय 10 दिन तकरीबन रोजाना इस्तेमाल करनी है। इससे आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। फर्क आपको 3-4 दिन में पता चल जाएगा। कलवंजी की ये चाय मर्द और खवातीन, लड़कियां और लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीने से आपका रेशा, बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कम उम्र बच्चों को ये नुस्खा इस्तेमाल ना करवाएं। तकरीबन 15 से 18 साल की उम्र के लड़कों को ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है, या उससे बड़े लोगों को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इससे कम उम्र लोगों को ये इस्तेमाल ना करवाएं। इंशाल्लाह आपके नाक और मुंह से बहने वाली बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बाज़ औक़ात गले में बलगम अटकने की शिकायत होती है, वो शिकायत भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस कावे को आपने खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 कप पीना है। इंशाल्लाह ये तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बलगम किन वजूहात पर होती है। हमारा जिस्म हर वक्त ही बलगम बनाता है, मगर जब इसकी मिकदार बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, यानी कि वो गाढ़ा और चिपचिपा होने लगता है, जो कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे एलर्जी, नाक, गले या फेफड़ों में खराश, तम्बाकू नोशी या निजाम हाजमा के मुख्तलिफ अमराज। यानी इसकी ज्यादा मकदार मौसमी नजला, जुकाम या फ्लू, एलर्जी, नाक, गले या फेफड़ों में खराश, निजाम हाजमा के मुख्तलिफ मसाइल, तम्बाकू नोशी, फेफड़ों के अमराज, इसके अलावा निमोनिया या कैंसर वगैरह का नतीजा हो सकती है। आमतौर पर लोगों में किसी किस्म की एलर्जी इस मसले का बास बनती है। इससे छींके भी आने लगती है और नाक बहना शुरू हो जाता है। मगर अच्छी बात यह है कि इसका वो टोटका जो मैंने ऊपर बताया है, वो इसका मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हल है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, और याद रखें जो पानी पीना वो नीम गर्म हो, उसमें हल्का सा नमक डाल लें। सर हमेशा ऊंचा रखें, यानी कि सर को सराहने पर रखें। खांसी को रोकने की कोशिश ना करें। खांसी अगर आती है तो उसको आने दें। अगर आप रोकेंगे तो आपको ये मसला बढ़ जाएगा, फेफड़ों का मसला भी बढ़ जाएगा। जब बलगम फेफड़ों से गले तक बढ़ जाए तो जिस्म से निजात की कोशिश कर सकता है, तो इसे निगलने के बजाय थूक देना सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। ऐसे लोग जो बलगम के मर्ज में मुब्तला है, उनको चाहिए कि वो तम्बाकू नोशी से ग्रेज करें। तंबाकू नोशी या किसी और की सिगरेट का धुआं जिस्म में ज्यादा बलगम बनाने का बास बनता है, तो कम से कम बीमारी में इसका ग्रेज करना चाहिए। कैफीन और अल्कोहल से ग्रेज करें। सीने में जलन का बास बनने वाली गजाओं से ग्रेज करें, यानी ऐसी गजाएं जैसे फास्ट फूड वगैरह, इनसे ग्रेज करें ताकि आपका मसला जल्दी हल हो। नमक मिले हुए पानी से गरारे करें। यह गरारे करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इस मर्ज के लिए शहद भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप कलवंजी की चाय में शहद का
इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको उसका जायका अच्छा लग सके। दोस्तों ये थी आपके लिए खास वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।